देखिए, विधानसभा का जो सत्र है इस दफ़े हम लोग का 17 तारीख से चलेगा और 24 तक ही चलेगा। अगले दिन 25 तारीख को अवकाश है, मगर वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, तो एक भव्य 26 फुट की उनकी प्रतिमा भी लग रही है लोक भवन में। और मैं इतने कह सकता अभी कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं हुई है, तो इसलिए जो कार्य योजना होएगी विधानसभा के सत्र की वो अभी मैं आपको दे नहीं सकूंगा जब तक कि वहाँ पे बातचीत ना हो। मगर अनेक, इतना मोटा मोटी कह सकता हूँ, कुछ विकास कार्यों के बिल हैं, कुछ समाज सेवा के बिल हैं, उन लोगों को भी हम लोग पारित करेंगे। मगर जो विपक्ष का मूड है उसको देखते हुए मैं खाली इतना कह सकता हूँ विपक्ष से कि आप भी आइए, विकास के कार्यों में आप भी सहयोग दीजिए। मैं आप लोग ने सतत विकास के लिए हम लोग ने जो यूनाइटेड नेशन का किया था आप उसमें आए नहीं, कुछ कांग्रेस के लोगों ने संविधान दिवस पे भी नहीं आए, ये गलत है। हम सबको मिलकर ये विधानसभा चलानी है। ये विधानसभा एक रूलिंग पार्टी की नहीं होती है, ये सभी की होती है। सबको मिलकर विधानसभा चलाना चाहिए और पूरे जितने भी रीजनल पार्टी हों या नेशनल पार्टीज हों, सभी विधायक का एक दायित्व बनता है कि उत्तर प्रदेश का सभी विकास करें। देखिए, नारायण स्वरूप अस्पताल एक अच्छा बेहतरीन अस्पताल बना है, मगर इसमें मैं जो पहले आपको मोटी बात जो कहना चाहता हूँ, ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र एक प्रकार से क्रिमिनल बैकग्राउंड का क्षेत्र रहा है। ऐसे डॉक्टर्स जो डॉक्टर राजीव जी हैं वो पहले से यहाँ पे थे, मगर हिम्मत नहीं करते थे यहाँ पे अस्पताल बनाने का या कोई भी व्यापार करने का। आपके बगल में यूनाइटेड है जो मेडिसिटी बन रहा है, हिम्मत नहीं होती थी उन लोग की। आज 2-2.5 साल के अंदर जो नक्शा बदला है, जो मैं खाली कह सकता हूँ ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जो मैंने काम कराया है कि यहाँ पे आदमी कहीं व्यापार करना चाहता है, कोई अस्पताल लगाना चाहता है, यहाँ पे कोई उगाही इनसे नहीं कर सकता, और जो पॉलिटिकल उगाही होती है वो सब बंद करवा दी है। तो आज आप देख रहे हैं क्षेत्र के अंदर रोडों के साथ यहाँ पे दूसरे प्रकार का भी विकास हो रहा है, और स्वरूप ये जो नारायण स्वरूप अस्पताल है ये उसी का एक परिचय है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए उसको डिफेंस कॉरिडोर जो एक विषय होता है वो चित्रकूट तक की है, उसको एक्सटेंशन करने के लिए ज़मीन चाहिए होती है, उन सब चीज़ों पर देखा जा रहा है। उसके बाद क्या होता है तो हमारा प्रस्ताव केंद्र सरकार को फिर जाएगा। बस आप लोगों को इंतज़ार रखना चाहिए, आप लोग देखेंगे अयोध्या जो है पर्यटन की दृष्टि से नहीं, धार्मिक दृष्टि से भी, और वहाँ पे दोनों धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की जो कल्पना है, जो सपना है, वो मक्का और वेटिकन से कहीं ज़्यादा सुंदर और कहीं ज़्यादा बड़ा बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो करा है वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का स्वीकार करना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए। तो उन्होंने जिनको आपत्ति थी, जो एक माहौल बनाना चाह रहे थे, एक भाईचारा का ना बने माहौल, एक दूसरे के विरोध और उसके राजनीतिक उनकी रोटियां चलती रहें, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, तो उसका स्वागत करना चाहिए।